आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे पर बात करने वाले हैं। सोनाली की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल एक वक्त पर हो गई थी जब कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, ये बात हर कोई जानता है। 2018 में सोनाली अमेरिका गई, वहां जाकर उन्होंने अपना इलाज कराया, कैंसर को मात दी, खतरे से बाहर आई और वापस मुंबई लौट कर आ गई। पहले की सोनाली और अब की सोनाली दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। कैंसर से जंग जीतने के बाद सोनाली बेंद्रे का क्या हुआ है हाल, इसी मुद्दे पर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करेंगे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाकी तमाम सितारों की तरह सोनाली ने भी अपने घर गणपति बप्पा की स्थापना की और इसके साथ ही कैंसर से जंग को लेकर बड़ा कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, बीते साल इलाज की वजह से उस त्योहार में भाग नहीं ले पाई थी। अपनी तस्वीरों को सोनाली ने शेयर किया जिसे आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे। गणपति बप्पा के आगे हाथ जोड़ती हुई सोनाली नजर आ रही हैं और लिखती हैं, पिछले साल ये त्योहार बहुत मिस कर रही थी। उन्होंने फेस टाइम ऐप के जरिए गणपति बप्पा की आरती की। गणेश चतुर्थी मेरे पसंदीदा त्योहारों में से एक है। बीते साल घर पर नहीं थी, इस त्योहार को मिस कर रही थी। फेस टाइम के जरिए मैंने आरती की। अब मुझे खुशी है कि मैं इस वर्ष वापस आ गई हूँ। मैं बहुत स्वस्थ और मजबूती से इस त्योहार का उत्सव मना रही हूँ। मैं मानती हूँ कि जहाँ विश्वास होता है वो अंदर भी दिखता है। आपके और आपके भगवान के बीच जब वार्तालाप होता है उसे छोड़ना मत। एक बार फिर हमने इको फ्रेंडली गणेश लाए हैं और इसका विसर्जन हम अपने घर में ही करेंगे। इस बार की गणेश चतुर्थी आपको स्वास्थ्य, समृद्धि और नए शुभारंभ दे। इसके अलावा ये आपको शक्ति दे कि आप अपनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, गणपति बप्पा मोरिया। बता दे आपको, यहाँ पर सलमान खान से लेकर कई और सितारे तक गणेश महोत्सव के रंग में रंगे नजर आए, लेकिन सोनाली बेंद्रे की तस्वीरों ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी सोनाली बेंद्रे को, उसके बाद उनकी जिंदगी बदली भी, लेकिन अब बदली हुई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना सोनाली सीख चुकी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।